उसमें डिमांड ये है कि इन सभी कार्यकर्ताओं के और इनके परिवार की सुरक्षा की जाए और इनके लाइसेंस के जो आर्म्स लाइसेंस है उनको जारी रखा जाए। FIR जो राजस्थान में जो हो रखी है उसको रद्द करने का, हरियाणा में जहां घटना स्थल है उस पर FIR दर्ज कर जांच करने की हमने मांग की है हरियाणा सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल आई थी और ये हमें ज्ञान नहीं है कि कौन सी कहां की पुलिस थी, बिल्कुल आए हैं घर पर और जब ये पंचायत में सूचना पहुंची और यहां से लोग पहुंचे तो तब भागे हैं वो। ACP साहब ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर पूरा सहयोग किया जाएगा और सुरक्षा के लिए भी जो भी बाहर से आएंगे वो सूचना देकर ही आएंगे। कोई भी देखिए मामला ये संगीन है, ये तो कानूनी तौर पर जैसे भी जो ठीक रहेगा उसके हिसाब से मोनू को पेश किया जाएगा या आएगा वो। हरियाणा में घटना स्थल पर जो घटना हुई है वो FIR बनती है, करनी चाहिए सरकार को, ये मांग करते हैं हम। अगर आपकी डिमांड के लिए कुछ अल्टीमेटम भी दिया है, कब तक का समय आप दे रहे हैं आपकी डिमांड मानी जाने के लिए? आपने कहा कि रोड जाम करने अभी इस तरीके की चीजें अभी कुछ दिनों में ही ये विचार विमर्श के कमेटी बन गई है, विचार विमर्श करके अगला कदम उठाया जाएगा। भरतपुर में दो गौ तस्करों की हत्या के मामले में 5 गौ रक्षा दल के सदस्यों का नाम आया था जिसमें मोनू मानेसर भी शामिल था और इसी को लेकर के आज मानेसर में एक बड़ी महापंचायत हिंदू समाज में बुलाई थी जिसमें कहा गया है और कुछ मांगे रखी गई है। ये मांगे हैं कि जिसमें मोनू मानेसर और उसके परिवार के साथ ही जो गौ रक्षा दल के सदस्य हैं उनका किसी का भी आर्म लाइसेंस निरस्त नहीं होना चाहिए, मोनू मानेसर और गौ रक्षा दल के सदस्यों पर लगे हुए झूठे मुकदमे वापस होने चाहिए, साथ ही परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो मुकदमा है वो राजस्थान में खारिज होकर के हरियाणा में दर्ज होना चाहिए, ये तमाम मांग यहाँ पर पंचायत में फैसला लिया गया, साथ ही कमेटी बनाई गई है जो आगे इस लड़ाई को जारी रखने की बात कह रही है। इस महापंचायत में कहा गया है कि मोनू मानेसर पूरी तरीके से निर्दोष है, झूठा मुकदमा उसके ऊपर लगाया गया और इसीलिए कुछ मांगों को लेते हुए ज्ञापन यहाँ पर मानेसर के ACP को सौंपा गया है और कुछ समय का अल्टीमेटम दिया गया है जिसमें मुकदमे मोनू मानेसर और गौ रक्षा दल के दूसरे सदस्यों के खिलाफ लगाए गए वापस लेने की बात कही गई है।